नाम जानना चाहेंगे जी। मेरा नाम राजीव सिंह राठौर। क्या प्रकरण है? प्रकरण यह है कि हमारी ग्राम पंचायत खेड़ा राठौर, जो कि ब्लॉक जैतपुर कला के अंतर्गत आता है और तहसील वाह का मामला है। हमारी ग्राम पंचायत में जब प्रधान कार्यकाल जब से शुरू हुआ था जनवरी 2016 से लेकर अब तक किसी तरीके का कोई भी विकास कार्य नहीं कराया गया है, जबकि मैंने RTI के माध्यम से जब मैंने सूचना के अधिकार के माध्यम से जब विकास कार्यों का ब्यौरा मांगा तो मेरे से ये कहा गया कि प्रधान और सचिव दोनों लोगों का कहना ये था कि हमारे ब्लॉक में तो किसी तरीके की कोई कागज़ बनते ही नहीं है और विकास कार्यों का है तो आपको अगर जो कुछ भी करना हो आप जाके कर लीजिए, हमें कोई मतलब। क्या अनियमितताएं मिली हैं वित्तीय? देखिए वित्तीय अनियमितता के अनुसार अगर देखा जाए, मैंने बैंक स्टेटमेंट निकलवाया, उसके अकॉर्डिंग अगर चेक किया जाए तो 38 से 40 लाख रुपए निकाला गया है। 38 से 40 लाख रुपए के एवज में किसी भी तरीके का कोई विकास कार्य नहीं है। पूरे 40 लाख का गबन है मेरे हिसाब से तो, जब मैंने ब्यौरा मांगा मुझे कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया गया तो सीधा सीधा गबन। जी हाँ, मैंने CDO साहब से मिला था, काफ़ी पहले भी कई बार मिल चुका हूँ और आज भी मिला था। CDO साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि इसके खिलाफ प्रधान और सचिव के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और जो भी गबन साबित होता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। देखिए ये ज़्यादातर जो मामले आ रहे हैं ये पुराने 2015 के बाद जब ये नए प्रधान बने, 15-16, 16-17 में जो विकास कार्य हुए हैं उसमें लेकर ये मामले आ रहे हैं और हमारे द्वारा बहुत ही त्वरित जांच भी इनमें कराई जा रही है और जो व्यक्ति दोषी पाया जा रहा है उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। चाहे पहले लोहिया आवास में जो शौचालय बने हों उनकी क्वालिटी को लेकर इशू है और बहुत सारी जगह तो ये भी देखने में आया कि शौचालय का पैसा प्रधानों ने निकाल लिया लेकिन मौके पर शौचालय बने नहीं, उसकी बहुत ही कड़ी जाँच मैंने अपने स्तर से कराई थी, उसमें व्यापक स्तर पर कार्रवाई भी हुई है। और ऐसे जितने भी मामले, क्योंकि चूंकि पहले हम लगातार इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, इससे जनपद में एक संदेश भी गया है कि जहाँ पे भी कोई प्रधान अथवा सचिव भ्रष्टाचार में लिप्त है और ग्रामीण विकास कार्यों में जो धनराशि सरकार द्वारा दी जा रही है उसका दुरुपयोग करने में संलिप्त है तो उस पर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाए, उसकी रिकवरी की जाए और ऐसे सचिव निलंबित हों। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं और उस क्रम में हम लगातार कार्रवाई कर भी रहे हैं, आगे भी करेंगे।